शुरू करेंगे। अब देखिए, मैं आपको इस तरह का कोट बताऊंगी जो सेंटा क्लॉज का कोट होता है बेल्ट के साथ। इस तरह का ये मैं बना रही हूँ। इसकी लंबाई, ये बाजू कितनी रखनी है और इसके बीच की कमर कितनी रखनी है, ये आपके कान्हा जी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक चेन बना के इस तरह कान्हा जी के हाथ से इसको नाप सकते हैं। अब मैं शुरू करूंगी। शुरू करने के लिए ये मैंने 36 फंदों की, 36 चेन की एक ये मैंने स्ट्रिप बना रखी है। इसके अंदर मैंने 4 रोज कर रखी हैं सिंगल क्रोशिया की, 4 रोज सिंगल क्रोशिया की, और ये कितने फंदे हैं, 36, 36 फंदे हैं। ठीक है, ये मैंने एक इस तरह से स्ट्रिप बना ली है। अब ये स्ट्रिप हम कितने फंदों की रखें, ये डिपेंड करता है आपके कान्हा जी के साइज के ऊपर। तो आप कान्हा जी के एक हाथ से लेकर बीच में उनकी छाती नापते हुए और दूसरे हाथ तक नाप करते हुए एक पूरी लंबी चेन बना ली। ये देखिए, ये पहले उनका एक हाथ, फिर बीच में छाती और दूसरा हाथ। इस तरह जितने भी फंदों की चेन बने उतनी लंबी एक चेन बना लीजिए और उसके ऊपर 4 रोज सिंगल क्रोशिया की बना लीजिए। ये मैंने सिंगल क्रोशिया की बनाई है ताकि डिजाइन मेरा थोड़ा गफा हुआ है। ठीक है, अब ये 4 रोज बनाने के बाद इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर ये मैं दूसरे डिजाइन का कोट बना रही हूं जैकेट, तो इसके अंदर मैं बाजू की लंबाई रख रही हूं 9 फंदों की, 9 चेन की। ठीक है, तो अब मैं यहां से अपने 9 फंदे नाप लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद यहां पर एक मार्क लगा दूंगी। ये देखिए, तो ये मेरे कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे। इसी तरह मैं 9 फंदे यहां से गिनूंगी। नौ फंदे गिन के यहां पे भी मैं एक मार्क लगा दूंगी। ये एक, अब इस तरह से मैंने 9 9 फंदे गिन के दोनों तरफ मार्क लगा दिए। बीच में ये मैंने मार्क लगा दिया है। अब ये जो मेरे बीच के फंदे हैं ये मेरे बचेंगे 18 18, क्योंकि टोटल है 36, दोनों तरफ मैंने 9 9 फंदे छोड़ दिए, तो बीच में मेरे बचेंगे 36। अब 36 फंदों के ऊपर अब मैं यहाँ पे अपना धागा ज्वाइन करूंगी। यहाँ से जो मेरा यहाँ से 10वां फंदा है उसके ऊपर मैं 2 चेन बनाऊंगी और अब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। तो ये मेरे हैं 18 18, के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। सिंगल क्रोशिया होता है 3 चेन आ गए, 3 का 1 कर दिया। जो हमारा डबल क्रोशिया होता है उसमें मैं 3 का 2 और 2 का 1 करती हूँ। इस मार्क तक हर स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। आ रही हूँ जैकेट का पीछे का पल्ला। देखिए इस तरह से यहाँ बीच में इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर ये मैं एक चेन बनाऊंगी, क्योंकि मैं मार्क पे पहुंच गई हूँ, इसके आगे मुझे नहीं करना। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को पलट दूंगी। पलट के अब मैं हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी और पूरी रो यहीं तक कंप्लीट कर लूंगी, फिर पलट के करूंगी। इस तरह से मुझे टोटल 9 रोज बनानी है, टोटल 9 रोज। इसके ऊपर ये एक मैंने कर ली है, 8 और बनानी है इसके ऊपर। ये देखिए, मैंने 9 रोज कंप्लीट कर ली है। ये मेरा इस तरह से लगेगा। ये मेरा बैक साइड का है, इसमें ये मेरी बाजू बनेगी और ये पीछे का पोर्शन बनेगा। लेंथ आप देख सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसके आगे और रोज कर सकते हैं। बट क्या है, ये जैकेट है, छोटा कोट है, तो इसीलिए शॉर्ट ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसके नीचे पजामी भी है, तो ये ज़्यादा लंबा अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 9 रोज की, ऊपर है 4 और नीचे की है 9 टोटल। इस तरह से करके मैंने 13 रोज का टोटल बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना धागा खत्म कर दूंगी। इसको इस तरह से काट के इस तरह से मैं अपना धागा बंद कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा आ गया इस तरह से। अब ये मेरा बन गया पीछे का पोर्शन। अब मैं बनाऊंगी आगे का। ये का फ्रंट मेरा जो पोर्शन है वो खुला है आगे से, फ्रंट से मेरा ओपन है, तो इसलिए ये 2 हिस्सों में बनेगा, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग। ठीक है,
तो उसके लिए मैंने ये ली है 18 फंदों की चेन, 18 फंदों, 18 चेन का मैंने ये दो सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है, 18 की, ठीक है। अब इसके बाद दो तो मैंने सिंपल कर लिए हैं 18 के ऊपर 18। अब इसके बाद जो मैं यहाँ पे देखिए ये मेरी हो गई, अब इसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी और अपना वर्क टर्न करूंगी। अब इसके बाद मुझे 14 की चेन बनानी है, ठीक है, और चार मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए ये 14 फंदों की मैंने बना ली है और ये जो चार हैं यहाँ के इनको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे गले की शेप देनी है। अब इसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी और अपना वर्क टर्न करूंगी और इन 14 के ऊपर एक एक रो और बना लूंगी। इस तरह से बन गई है। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, 18 चेन पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसकी दो रोज करी सिंगल क्रोशिया की, और यहाँ पे 14 फंदों की मैंने दो रो करी है सिंगल क्रोशिया की हर स्टिच के अंदर। यहाँ पे चार फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, ये मेरी गले की शेप के लिए होगा। अब यहाँ पे मैं अपना धागा कट करके बंद कर दूंगी इस तरह से, ये मेरा आ गया इस तरह से। अब जहां पे मैंने अपने गले की शेप दी है उसी के नीचे जहां से मैंने अपना क्रोशिया स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैं इसको टर्न करके अब यहाँ पे मैं अपना धागा ज्वाइन कर लूंगी। देखिए जहां से मैंने अपना शुरू किया था क्रोशिया, वहां पे मैं अपना धागा ज्वाइन कर लूंगी। और एक चेन बना लूंगी। ये जो दोनों धागे जो अभी मैंने शुरू किया और जो पहले का उसको मैं इसी के साथ अंदर ले रही हूं। अब इसके ऊपर मुझे 9 फंदों की चेन बनानी है, तो मैं 9 स्टिचेस करूंगी, 9 सिंगल क्रोशिया एवरी स्टिच के ऊपर, ठीक है। तो यहां से मैं शुरू कर रही हूं, जो मैंने स्टिच किए हैं उन्हीं के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी 9 के ऊपर। इस तरह से ये आ गई है। अब ये 9 यहाँ पे 9 बच गए हैं, ठीक है, 9 के ऊपर मैंने एक चेन बना दी है, 9 बच गए हैं। अब यहाँ पे एक चेन बना के मैं अपना वर्क टर्न कर लूंगी, इसको मुझे और आगे नहीं करना है। यहाँ पे जितने 9 बचे हैं उनको मैं छोड़ दूंगी, जो मेरा एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमें ध्यान कहाँ रखना है, जहां हमने गले की शेप बनाई है उस साइड पे आप इस साइड से मैं शुरू कीजिएगा, जहां मैंने गले की शेप बनाई है उस साइड से। अब इन 9 स्टिचेस के ऊपर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी और 9 रोज बनाऊंगी, टोटल 9 रोज, एक मैंने बना लिया, अब 8 और बनाऊंगी। ये देखिए ये मैंने 9 रोज कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह से आएगा, यहां से लंबा, यहां से चार मेरे स्टिचेस छूटे हुए और यहां से 9 चेन में 9 स्टिचेस की इस तरह से 9 रोज, ये यहां से छूटा हुआ आएगा, ये इस तरह की शेप में आएगा। अब यहां पे मैं इसे कट कर लूंगी धागे को और इस तरह से बंद कर दूंगी, ठीक है। अब जब मैं अपने पेच के ऊपर इसको लगाऊंगी, ये देखिए ये इस तरह से लगेगा इसके ऊपर, आप ये देखिए कोट की थोड़ी सी शेप आपको दिखेगी, ये एक्स्ट्रा धागे मैं बाद में काटूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको शेप दिखेगी इसकी। अब सेम इसी तरह का ये मैंने एक पीस और बना रखा है, इसके अंदर भी देखिए 18 की चेन से मैंने शुरू किया, 18 फंदों की चेन से मैंने इसको शुरू किया, पहली और दो रोज बनाए, तीसरी रो के अंदर मैंने 14 स्टिचेस रखे, 4 स्टिचेस छोड़ दिए और अपनी रो को टर्न कर लिया, टर्न करके 14 स्टिचेस और करके यहाँ पे धागा बंद कर दिया। इसके बाद मैंने धागा यहाँ अटैच किया और 9 फंदों की 9 लाइंस इस तरह से बना ली, ये इस तरह से आ गया। हमें ध्यान क्या रखना है, जिस जगह पे हमने गले की शेप ली है उसी जगह पे हमें ये बनाना है। तो अब ये मेरा इस तरह से यहां लग जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगी मेरी कोट की शेप।
तरह से, इनके अंदर सीधा उल्टा नहीं होता, तो ये आ जाएगी मेरी कोट की शेप इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इसको सिलाई करनी है। अब मैं सुई धागा लूंगी और यहाँ पे पूरा स्टिच करूंगी, यहाँ पे गले का बीच का छोड़ के यहाँ पे स्टिच करना है, यहाँ पे स्टिच करना है, फिर इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे, ये सारी सिलाइयाँ मुझे लगानी है। सुई धागा मैंने ले लिया। पहले जो सारे तरफ के धागे हैं इनको मैं आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि ये सेम जगह पे छूटे हुए हैं, तो इस तरह से मैं इनको गांठ लगा लेती हूँ। जितने धागों पे गांठ लगेगी उतना वो मजबूत बनेंगे और उतना जल्दी वो टूटेंगे भी नहीं। इस तरह करके इनको मैं कट कर लेती हूँ। जितने बाकी धागे हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा जॉइन हो गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं अपना सुई धागा लूंगी। मैं यहां से अपनी सिलाई शुरू कर रही हूँ, बाजू पे से, नीचे से यहाँ। अब कॉर्नर के अंदर, कॉर्नर के अंदर, बिल्कुल कॉर्नर के हम दो स्टिच लेंगे जहां से हमने लाफ किया है, बिल्कुल कॉर्नर के, जो हमारी ये इस तरह की चेन दिखती है उसके अंदर से इस तरह से दोनों को ज्वाइन करके हम सुई डालेंगे। उस तरह हम सुई डालेंगे, धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब अगर मैं इसमें गांठ लगाऊंगी तो धागे में फायदा नहीं होगा, तो इसलिए मुझे गांठ इन दोनों को पकड़ के इस तरह से लगानी है। इस तरह से गांठ लगा के अब मैं इनकी सिलाई शुरू करूंगी। जो हमारी ऊन धागे की सिलाई होती है वो इस तरह से नहीं होती, मतलब मेरा धागा इधर है तो मैं इधर सुई नहीं डालूंगी, मैं सुई डालूंगी इस तरफ से। तो इस तरफ से जो मेरी चेन दिख रही है इन दोनों को इधर पकड़ के मैं इस तरह से यहां करूंगी। दोनों को जॉइन करके इस तरह से पकड़ के मुझे पूरे में इसकी सिलाई करनी है। कॉर्नर पे भी मैं बिल्कुल जो कॉर्नर के मेरे फंदे हैं उनको पकड़ के सिलाई करूंगी। तरह जिगजैग वे में ही करनी है सिलाई। कॉर्नर कॉर्नर बस ये दोनों को पकड़ के ऊन की सिलाई और कपड़े की सिलाई में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, क्योंकि उसमें हम मार्जिन छोड़ते हैं, इसमें हम बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ते हैं और कॉर्नर के फंदे पकड़कर उनको सिलाई लगाते हैं इस तरह जिगजैग करके। मैं कॉर्नर पे पहुंच गई हूं। अब यहां पे मैं इसको बंद कर दूंगी। यहां थोड़ा सा आगे लाके फिर मैं धागे को इधर कट कर दूंगी।
ये हो गई मेरी एक तरफ की। अब आप देखिए ये इस तरह से इधर सिलाई हो गई है इसकी। अब मैं इसी तरह से यहाँ ऊपर जो बाजू है मेरा गले तक, यहाँ मैं सिलाई करूंगी, ऊपर जहाँ बाजू है यहाँ तक मैं सिलाई करूंगी, और जो अपना सेकंड पार्ट है, जो सेकंड है उसको भी इसी तरह जोड़ के यहाँ पे इस तरह सिलाई करूंगी, यहाँ पे इस तरह सिलाई करूंगी और एक सिलाई ऊपर करूंगी। इसको मैं सिलाई करके वापस आऊंगी। अब देखिए ये मेरी कंप्लीट हो गई है, इसको मैंने सारे तरफ से सी लिया है। यहाँ ऊपर से दोनों तरफ से, यहाँ इस तरह से दोनों तरफ से। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। सीधा करके मेरी ये शेप आ रही है इस तरह की। ये हो गई मेरी जैकेट। अब इसके ऊपर करूंगी मैं वाइट, अपने वाइट धागे से काम। वाइट धागे से काम करने के लिए अब इसके चारों तरफ मुझे पिकॉट बनाने हैं। इस तरह की मैं फर बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ चीज़ आपको ध्यान देने की होती है। जैसे ये फर का मुंह मैंने दोनों का इस तरफ का बनाया है, देखिए दोनों इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि मैं एक के ऊपर एक इस तरह से बनाऊं, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। इसके ऊपर चिट बटन या बटन लगा सकती हैं ताकि इसके ऊपर रहे। गले का भी आप देखेंगे तो मैंने इस तरह से बनाया है, बट कई लोग इसको खड़ा हुआ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से बना के अंदर सिलाई करी है ताकि ये मेरे बैठे हुए रहे। ये देखिए सिलाई के धागे आपको दिख रहे हैं, ये मेरे इसीलिए कि ये मेरे बैठे रहे। कई लोग चाहते हैं कि कॉलर की तरह वो खड़ा रहे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से करना चाहते हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये मैंने इस तरह करके पीछे से सिलाई की है इसको, ताकि ये मेरे बिल्कुल बैठे हुए रहें, फर उठे नहीं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है ये आपको किस तरह से करना है। ये वाला बना है बाहर की तरफ, ये देखिए रेड धागे से ये अलग है, और ये सारे बने हैं मेरे उल्टी तरफ से। ये देखिए रेड धागे के इधर है ये, ठीक है, वाइट बाहर नहीं है। तो इनको मैंने सिया हुआ है, इसको मैंने सी नहीं रखा है, ये शेप दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये इस तरह से आए। जब वो पहनेंगे तो ये इस तरह से आएगा, जो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप इस तरह चिट बटन का चाहती हैं या एक के ऊपर एक चाहती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इसी तरह बैठा हुआ चाहती हैं कि ये बैठा हुआ इस तरह रहे, तो हम उल्टी साइड से शुरू करेंगे। बट अगर आप चाहती हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे लटकने वाला चाहिए, कि नीचे एक रो मेरी बढ़ जाए, क्योंकि मैं डबल क्रोशिया की कर रही हूँ, एक रो मेरी बढ़ जाए, तो उसके लिए हम इधर सीधा बनाएंगे उसको। तब मैं उस केस में यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अब मैं उल्टा ही कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सिलाई करके ज्वाइन करूँगी। अब यहाँ पे वाइट कलर ज्वाइन करके जो मेरा बिल्कुल कॉर्नर है वहां से मैं इसको ज्वाइन करूंगी। ये मैं नीचे की तरफ से शुरू कर रही हूँ इस तरह, ठीक है। अब इसके ऊपर, पूरे इसके ऊपर मुझे पहले एक सिंगल क्रोशिया की एक पूरी लाइन कर रही है, जिसके अंदर बिना बल का क्रोशिया। देखिए ये है मेरा फंदा एक है इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं बल नहीं लूंगी, अपने हुक के अंदर डालूंगी। इस तरह दो गए, दो का एक कर दूंगी। अब फिर मैंने इसके अंदर डाला, ये मेरे को चारों तरफ से इक्वल करने के लिए होता है। ये देखिए फिर नेक्स्ट फंदे में लिया, दो का एक कर दिया। ये इस तरह से वी शेप का आता है फंदा मेरा, इस तरह का। अब फिर मैंने इसके अंदर डाला, दो का एक कर दिया। यहां से शुरू कर यहां पूरा करते हुए, ये गले का पूरा करते हुए यहां तक मैं इसमें वापस आऊंगी। देखिए ये गले का करते हुए यहां से यहां तक पूरा, फिर यहां से ऊपर जाते हुए, फिर ये पूरा गले की शेप, और फिर वापस यहां तक, यहां पे करके मैं वापस आऊंगी। ये देखिए ये मैंने नीचे की लाइन तो पूरी कर ली है। अब जब मैं इधर आई हूं तो कॉर्नर के ऊपर जो सेम होगा, सेम स्टिच के अंदर मैं दो स्टिच करूंगी कॉर्नर बनाने के लिए। अगर मैं एक ही स्टिच से इसको टर्न कर दूंगी तो ये गोल हो जाएगा। अब मैं ये फ्रंट वाली लाइन कर रही हूँ जो मेरा फ्रंट का है। इसके अंदर देखेंगे तो खड़े हुए चावल है, मतलब ये जो मैंने क्रोशिया किया था ये स्टैंडिंग पोजिशन में है। तो इसके अंदर हम हर क्रोशिया के अंदर करेंगे, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है कि हम क्रोशिया के अंदर से करें।
जो इसके साइड में छेद है इसमें से ना करें, अदरवाइज ये छेद और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हर उसमें से एक एक हम क्रोशिया करते जाएंगे इसी तरह से। ये देखिए क्रोशिया के अंदर से, जो मेरा चावल है उसके अंदर से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मेरा आता जाएगा। ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ये मैंने कर लिया है, ये मेरा चारों तरफ से हो गया है, ये गले के ऊपर, ये इधर और पीछे बैक में। ठीक है, अब इसके बाद मैं अपना स्टिच स्टार्ट करूंगी। तो जो मेरा लास्ट है, इसको जो मैंने सबसे पहला स्टिच किया था, जो मैंने सबसे पहला स्टिच किया था उसके साथ स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मेरा जो स्टिच था इसके साथ मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब के बाद मैं दो चेन बनाऊंगी। दो चेन बनाने के बाद, अब जो मैं व्हाइट का काम कर रही हूँ ये सारा मैं डबल क्रोशिया का कर रही हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट आएगा इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी, फिर जो अगला आएगा इसके अंदर, अगले स्टिच के अंदर मैं चार डबल क्रोशिया करूंगी एक स्टिच के अंदर। ये देखिए चार डबल क्रोशिया कर मैंने एक स्टिच के अंदर। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी, जो दो है, दो की चेन और एक डबल क्रोशिया, इसको छोड़ के जहां से मैंने चार डबल क्रोशिया किए उसके अंदर से डाल के इस तरह मैं धागे को बाहर निकालूंगी। दो हो गए, दो का एक कर दूंगी स्लिप स्टिच करके। अब उसके बाद फिर से मैं बल लूंगी, जो मेरा अगला स्टिच है उसके अंदर मैं डबल क्रोशिया करूंगी। अब देखिए ये हो गया, अब इसके बाद मैं फिर बल लूंगी, अब जो मेरा अगला स्टिच है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी, फिर जो अगला स्टिच है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया और करूंगी। डबल क्रोशिया कर लिया, अब जो मेरा अगला स्टिच है उसमें मैं एक, अब ये मेरे दो डबल क्रोशिया हो गए, अब जो अगला स्टिच है उसमें मैं चार चार डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर करूंगी। चार डबल क्रोशिया करूंगी एक स्टिच के अंदर। अब फिर मैं अगले दो स्टिच के अंदर एक एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करूंगी, एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अगले स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया, और ये मेरा इस तरह से आएगा थोड़ा सा उठा हुआ। ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा उठा हुआ इस तरह से आएगा, ये मेरे दो डबल क्रोशिया ये दिख रहे हैं उसके ऊपर, ये इस तरह से ये आएगा। ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आएगा। अब ये देखिए जो इसकी सीधी साइड है ये उल्टी तरफ आ रही है, ये मेरी रॉन्ग साइड है। अब इसको पूरा मैं बना के, जो मेरी सीधी साइड होगी वहां पे उल्टा इस तरह से करके सिलाई कर दूंगी, एक एक सिलाई करूंगी सारी तरफ उसको इस तरह से उल्टा कर दूंगी। तो ये यहाँ पे मेरा स्टिक हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह लटका हुआ होना तो आप इसको उल्टी साइड से दूसरी तरफ से पलट के बनाइएगा, तो इसकी जो फ्रंट साइड है वो इस तरफ आएगी, तो इसमें आपको चिपकाना नहीं पड़ेगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने इसको इस तरह से करा। अब नेक्स्ट, और इसका पैटर्न क्या होता है, दो डबल क्रोशिया एक एक स्टिच के अंदर, थर्ड स्टिच के अंदर चार डबल क्रोशिया और फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर चार डबल क्रोशिया एक स्टिच के अंदर, फिर उसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह मैं इसको पूरे में कर लूंगी, यहां तक पूरा करूंगी, फिर जो मेरी ये लाइन है इस पे मैं करूंगी और गले पे करूंगी। ये देखिए नीचे की तरफ ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको टर्न करके मैं इस तरफ इधर सिलाई लगा दूंगी, इस तरह से इधर सिलाई लगा दूंगी, तो ये मेरा बैठा हुआ बिल्कुल उसके कॉर्नर पे आएगा, बिल्कुल इस तरह से, ये जैसे इस तरह से आया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ मेरी ये फ्रंट की, जो मेरी फ्रंट की तरफ की है उस पे अब मैं करना शुरू कर रही हूँ, फ्रंट की करनी शुरू कर रही हूँ। इसको भी मैं इसी तरह से करूँगी, मैं डबल क्रोशिया से शुरू कर रही हूँ, दो डबल क्रोशिया,
अब मैं अपना लूप बनाऊंगी। ये बहुत सुंदर फर वाला लुक देता है। ये देखिए यहां तक मैंने कर लिया है। अब मैं नेक स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा गला है, अब मैं ये गले के ऊपर भी इसी तरह से करूंगी। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको पूरा कर लिया है। ये मेरा इस तरह से आएगा कुछ कोट। ये मेरा सारी तरफ से पूरा हो गया। अब इसको मैं सिलाई करूंगी। सिलाई करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर पे जहाँ मैंने डबल क्रोशिया किया उनको मुझे ज्वाइन करना है। जो मैंने ये लूप्स बनाए हैं इनको मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले मैं अपना धागे को नॉट कर दूंगी। अब देखिए जहां जहां मैंने सिंगल क्रोशिया किया है वहां वहां मैं एक छोटा छोटा अपना धागा बनाऊंगी। इसको मैं जिगजैग नहीं करूंगी, इसको मैं अप एंड डाउन में करूंगी। देखिए जहां मैंने डबल क्रोशिया किया है वहां सिर्फ एक एक मैं धागा इस तरह से करूंगी। बस ये बैठते जाएंगे। इसको मुझे सिर्फ इस तरह से करना है कि ये बैठते जाए। जहां जहां मैंने डबल क्रोशिया किया है सिर्फ वहां वहां मैं करूंगी। ये देखने में मुश्किल लगता है बट बहुत आसान है करने में। देखिए ये इस तरह से बैठा हुआ इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं चारों तरफ से कर लूंगी। देखिए मैंने अपने चारों तरफ से सिलाई कर लिया। ये सिलाई के मार्क इस तरह से आ रहे हैं। ये अब इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगी। ये हो गई मेरी जैकेट। अब इसके ऊपर मुझे बेल्ट बनानी है और सेम मुझे करने इसी तरह के बाजू के ऊपर। अब देखिए मैं आपको इसका सेकंड तरीका बता रही हूँ फ्रिल बनाने की। जो मैंने पहली आपको तरीके की फ्रिल बताई है उसके अंदर हमारी बटन पट्टी नहीं होती, तो अब जो मैं फ्रिल का तरीका आपको बता रही हूँ फेदर का उसके अंदर हमारी बटन पट्टी बनेगी और कॉलर नेक बनेगा जिसके अंदर हमारा नेक का जो कॉलर होता है वो खड़ा हुआ होता है। इसमें देखिए बैठा हुआ है तो पूरा चौड़ा गला लगता है। उसके अंदर हमारा कॉलर खड़ा हुआ होगा तो वो कॉलर नेक लगेगा। ठीक है, इसके लिए देखिए पहले मैंने शुरू किया था उल्टी साइड से। मैंने इस तरह से इधर से किया था। अब की बार मैं इधर से सीधी साइड से कर रही हूँ। ठीक है, और इस तरफ कर रही हूँ। पिछली बार मैंने नीचे की तरफ से शुरू किया था, अब की बार मैं इस तरफ से शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैं अपनी दो चेन लूंगी। दो चेन से शुरू करके अब पहला मैं अपना डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये चेन तो मैंने आपको पहले बताई दी थी कि हमने सिंगल उसकी चेन बनाई है, ये किनारी देने के लिए। ठीक है, अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद अब मैं थर्ड के अंदर चार डबल क्रोशिया करूंगी। इसके अंदर मैंने चार डबल क्रोशिया किए। चार डबल क्रोशिया करके अब मैं इसको अपने वर्क को टर्न करूंगी। टर्न करके जहां से जो मेरी चेन थी और जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उनको छोड़ के जहां से मैंने चार डबल क्रोशिया शुरू किए हैं उसमें से निकाल के इस तरह स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी और थर्ड स्टिच के अंदर चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसका जो बेसिक पैटर्न होता है वो होता है फर्स्ट में डबल क्रोशिया, सेकंड में डबल क्रोशिया, थर्ड के अंदर चार डबल क्रोशिया। अब मैं ये वर्क टर्न कर लूंगी और इस तरह से यहां ले आऊंगी। अब ये मैं पूरा अपनी जो मेरी फ्रंट की नेक है यहां तक पूरा करूंगी और ये अपने नेक लाइन के ऊपर भी पूरा करके जो वहां पे मेरी नेक लाइन खत्म हो रही है वहां तक करूंगी। अभी देखिए नेक के मैं सेकंड एंड के ऊपर पहुंच गई हूं। आप इसके बाद
जो मुझे अपने कोड की नेक्स्ट लाइन है फ्रंट की, इसको करना है। बट इसके अंदर मैं इस तरह के फ्रिल नहीं बनाऊंगी, इसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच के अंदर। इसके अंदर मुझे कोई भी फ्रिल नहीं बनानी, सिंगल डबल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच के अंदर, एक एक डबल क्रोशिया हर स्टिच के अंदर। इसके अंदर मुझे कोई भी फ्रिल नहीं बनानी, क्योंकि ये मेरी बटन पट्टी है, इसके ऊपर मैं अपने बटन स्टिक करूंगी, तो इसलिए मुझे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हर स्टिच के ऊपर। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है, ये मैंने डबल क्रोशिया करा है हर स्टिच के अंदर, हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। अब जो मेरी नीचे की लोअर लाइन है, मैं इधर हूँ, तो इधर भी मैं हर एक स्टिच के अंदर, अब इसके अंदर मैं रफल बनाऊंगी, जो नीचे की साइड है वहां मैं रफल बनाऊंगी, यहाँ पे मुझे करना है। और देखिए जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने दो स्टिच किए हैं एक के अंदर कॉर्नर देने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं करूंगी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद थर्ड के अंदर दो डबल क्रोशिया करने के बाद थर्ड के अंदर फोर डबल क्रोशिया करके रफल बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाए हैं। इसको टर्न किया वर्क को, निकाल दिया, इस तरह मेरा रफल आ गया। अब नेक्स्ट टू स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया। देखिए अब इसके लास्ट पे मैं पहुंच गई हूं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में टू चेन की थी उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह स्लिप स्टिच करके अब यहां से मैं इसको कट कर दूंगी। अब देखिए जो मेरी इस तरह ये मेरी बटन पट्टी है, इसके ऊपर मैं जो चिट बटन आते हैं मेरे वो लगा के या हुक लगा के इस तरह से मैं इसको करूँगी। अब देखिए ये नेक मेरा इस तरह से बंद आया है, ये मेरा हॉल्टर नेक है देखिए, और नीचे से इसमें मेरे कोट की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि ये नीचे रफल आए हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, इन दोनों के अंदर ये फ़र्क आ रहा है, इसमें दोनों रफल आ रहे हैं जो मेरे दोनों दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ मेरे एक रफल दिख रहा है बिल्कुल कोट की तरह, ठीक है। इसमें मेरा हॉल्टर नेक आ रहा है, इसमें मेरा नेक इस तरह से बिल्कुल गोल घुमाई में आ रहा है, ठीक है। और नीचे से इसकी लेंथ देखिए इतनी बढ़ी हुई आ रही है, इसकी छोटी है। अगर मैं इसके ऊपर रखकर आपको दिखाऊंगी ये लेंथ देखिए इतनी बढ़ी हुई आएगी, नीचे से जरा सा जो मैंने बनाया है वाइट इतने का फर्क आएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से करना चाहती हैं। पहनने में दोनों ही बहुत सुंदर लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरी लास्ट बाजू रह गई है, तो बाजू के अंदर भी मैं उसी तरह से अपना हुक डाल के पहले एक चेन करूंगी सिंगल उसकी, और उसके बाद इसी तरह रफल बना लूंगी सारे उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर रफल मेरे ऐसे बाहर की तरफ ही बनेंगे, ये देखिए इस तरह के मेरे रफल बनेंगे। ये देखिए मैंने धागा ज्वाइन कर लिया है अपनी बाजू के ऊपर। अब हर स्टिच के अंदर मैं इस तरह करके दो हो गए, दो का एक करके जैसे मैं किनारी बनाती हूँ उस तरह से मैं बनाऊंगी हर स्टिच के अंदर। जो चावल आएगा उसके बीच में से लेना है, छेद के अंदर नहीं डालना है। इसको गोल घुमा के इस तरह मैं पूरी किनारी बना लूंगी। इसके अंदर जो मैं पैटर्न रखूंगी वो सिंगल क्रोशिया का रखूंगी, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट उसमें चार चावल, चार डबल क्रोशिया, इसमें मैं दो डबल क्रोशिया नहीं करूंगी, इसमें मैं सिंगल डबल क्रोशिया करूंगी एक स्टिच के अंदर। पहले तो जो मैंने अपना नेक के अंदर किया है उसके अंदर तो मैंने दो, एक फर्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया, सेकेंड के अंदर डबल क्रोशिया, थर्ड के अंदर फोर डबल क्रोशिया करके उसका फेदर बनाया है। देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ। अब जो मैंने सबसे पहला अपना स्टिच किया था उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूंगी। ये देखिए मेरी बाजू की इस तरह से एक किनारी बन गई है। अब इसके ऊपर, किनारी के ऊपर हर एक के अंदर मैं एक एक रफल बनाऊंगी। तो अब देखिए पहले के अंदर मैंने दो चेन की, इस चेन को मैं एज अ डबल क्रोशिया मानूंगी। तो अब नेक्स्ट के अंदर
जो मेरा नेक्स्ट स्टिच आएगा उसके अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया करूंगी। अब ये 4 डबल क्रोशिया करके वर्क को टर्न करूंगी, जो मेरा पहला डबल क्रोशिया है उसके अंदर से निकाल के इस तरह से और ये स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट के अंदर मैं 1 डबल क्रोशिया करूंगी, फिर नेक्स्ट के अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया करूंगी। इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया नहीं कर रही हूं, मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर रही हूं, क्योंकि हमारी बाजू छोटी है, रफल कम बनेंगे। अब देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूं, अब यहां मेरा फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो मैंने सबसे पहली चेन बनाई थी उसके साथ मैं ये स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, ये देखिए, और अपनी रो को यही खत्म कर दूंगी। सेम तरह मैं दूसरी साइड बना लूंगी, सेम मैं दूसरी साइड कर लूंगी। अब देखिए इस कोट पे इस तरह लगाने के लिए हम सेंटा क्लॉज की इस तरह की एक बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर की ऊन, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेंटा को देखेंगे तो सेंटा ने रेड कोट के ऊपर ब्लैक कलर की बेल्ट लगा रखी होती है। इस बेल्ट के लिए मैंने लिए हैं 45, ये फंदे मैंने लिए हैं। अब इन 45 फंदों के ऊपर मैं हर किसी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी, ठीक है, हर, और ऐसी मैं बनाऊंगी 2, तो सिंगल क्रोशिया की 45 फंदों के ऊपर हर चेन के ऊपर एक स्टिच करके मैं 2 रोज बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने बना ली है, ये मेरे 45 फंदों की रो बनी है। अब इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी और यहाँ पे डबल करके इसको बंद कर दूंगी धागे को, ठीक है। अब मैं यहाँ का धागा कट कर दूंगी और जो मेरा दूसरी साइड का था उसको भी मैं कट कर दूंगी। अब इसके बाद ये बेल्ट आएगी मेरी इस शेप के अंदर, ठीक है, इस तरह की मेरी बेल्ट आएगी इसको फोल्ड करके। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगी बक्कल। बक्कल कैसे, अगर आपने देखा होगा बेल्ट को बंद करने के लिए स्क्वायर बक्कल होता है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए अगर आप चाहें तो क्रोशिया से भी बना सकते हैं, बट मैं इसको बना रही हूं अपने सुई धागे से, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए सबसे पहले मैं यहां पे लूंगी बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, सबसे पहले जो मेरी बेल्ट है जहां से जहां मुझे बंद करना है, ठीक है, उसमें सबसे कॉर्नर के ऊपर अपना स्टिच लूंगी इस तरह से, ठीक है। अब अपने धागे को इस तरह घुमा के आगे करते हुए, ठीक है, एक स्टिच इस तरह से छोटा सा जैसे हम सिलाई में करते हैं इस तरह से करूंगी। इस तरह से और इसको ये देखिए इस तरह घुमा के अपने धागे को इसके अंदर से ये सुई अपनी निकाल लूंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक बार और इसी तरह ये मैंने डबल धागा लिया, आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। अपने इसके जो बीच में हमने लास्ट किया है जहां मेरा धागा है वहीं से डालते हुए सुई को थोड़ा सा आगे करके इस तरह से मैं निकालूंगी। इसमें बहुत बड़े स्टिच नहीं लेने हैं, ये देखिए ये इस तरह से स्टिच आएगा मेरा। अब नेक्स्ट फिर अपने थंब से धागे को पकड़ लीजिए,
अब मैं कॉर्नर पे पहुंच रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसलिए अब मैं वापस सुई को, देखिए जहाँ मेरा धागा है उसके अंदर से, जो पीछा मेरा स्टिच है उसके अंदर से डाल रही हूँ, और यहाँ कॉर्नर पे इसको इस तरह से निकाल रही हूँ। तो ये मेरा थर्ड स्टिच आ गया, ये देखिए ये मेरी एक लाइन बन गई। अब मुझे बनानी है स्क्वायर, बनाना है तो मैं इस तरफ करूँगी। तो अब अपने धागे को इधर पकड़ लीजिए, वापस धागे के अंदर से जो मेरा स्टिच है, प्रीवियस स्टिच है, उसके अंदर से डालकर इस तरह से, और इसको इस तरह से निकालिए। अब इस तरह से निकालेंगे, देखिए इस तरह से आ गया। अब वापस उसको पकड़ के जो मेरा धागा है उसके अंदर से ही डाल के इस तरह से मैं निकालूंगी, बिल्कुल कॉर्नर पे करेंगे हम। ये देखिए एक और कर लेंगे, जो मेरा धागा है पीछा स्टिच है उसके अंदर से डाल के अगले के अंदर थोड़ा सा आगे करके उसे निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं इसको टर्न करूंगी, देखिए दो तरफ की तो शेप मेरी इस तरह की आ गई है। अब वापस फिंगर से पकड़ के ये इस तरह से मैं निकालूंगी, ठीक है। मेन चीज है पीछे वाले स्टिच में जरूर डालनी है सुई को, ये मैं ऊन का ही इस्तेमाल कर रही हूं, और मेरी जो ऊन सिलाई वाली सुई होती है उसी का इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है। अब फिर स्टिच में से निकाल के इस तरह से स्टिच लेंगे, स्टिच को थोड़ा सा टाइट रखेंगे। अब बिल्कुल कॉर्नर पे तीन तीन स्टिच लिए हैं मैंने हर साइड पे, देखिए इस तरह से। अब फिर अब हम देखिए फिर से इसको पकड़ के जो मेरा पीछे स्टिच है उसके अंदर से डाल के इस तरह से बाहर निकालूंगी, यहां आगे फिर पकड़ के जो मेरा पीछे स्टिच है उसके अंदर से लेके इस तरह से लूंगी। सुई हमेशा इसके बीच में से धागा निकलेगा, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट स्टिच है उसको इसी के अंदर से लेके जो मेरा सबसे पहला स्टिच था उसके अंदर मुझे डालना है, ये देखिए इस तरह से करके इसको बाहर निकालूंगी ताकि मेरा स्टिच पूरा हो जाए। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने धागे को बंद करने के लिए बाहर की साइड करके जो मेरा स्टिच है, जो मेरा लास्ट स्टिच है उसे बाहर की तरफ करके इसको मैं इस तरह से बाहर निकाल दूंगी। मेरा इस तरह से आ गया, ये मेरा बेल्ट का बक्कल बन गया है, ठीक है। अब जो मेरा पीछे है उसको, धागे को मैं बंद करने के लिए जो मैंने गांठ लगाई थी उसके साथ इस तरह से गांठ लगा दूंगी। फ्रंट पे से मेरा ये इस तरह का आएगा, ठीक है। अब मेरा ये यहाँ पे इस तरह रहेगा, ठीक है, और मेरी बेल्ट घूम के इस तरह से पीछे से इधर फ्रंट पे आएगी, जितना एक्स्ट्रा होगा वो अंदर जाएगा और वो इसके ऊपर इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अब हमें साइड में दो बकल बनाने हैं जो हमारी बेल्ट को अंदर डालने के काम आती हैं, देखिए जो इस तरह के बकल होते हैं जिसपे हमारी बेल्ट टिकी हुई होती है, तो उसको भी मैं इसी तरह बनाऊंगी।
उसको भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो बेल्ट के ऊपर मैंने निशान लगा लिया, अब मुझे ये बनाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इधर अंदर डाल दीजिए सुई, धागे को मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ गांठ नहीं लगा रही हूँ, कि जो मेरे बैक का धागा होगा उसके साथ मैं इसे गांठ लगाऊंगी। अब इसके बाद फिर सुई पकड़िए, धागे को अपने थंब से पकड़िए, यहाँ पीछे से यहाँ इस तरह से आगे डालिए। जहाँ मेरी धागा स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैंने सुई रखी है और उसको अंदर बाहर की तरफ निकाला है इस तरह से। ये मेरा आ गया पहला स्टिच। देखिए ये यू सा बनेगा, इसको खींचना है तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर से धागे को मैं अपने थंब से पकड़ूंगी, इसको हम ऊन की एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, इसको हम ड्रेस पे भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये देखिए इस तरह से खींच के इस तरह से बनाते हैं। और लास्ट स्टिच इस तरह से, देखिए थ्री की आ गई ना, तो ये मेरा बक्कल का शेप लगेगी। अब मेरे को ये अंदर की तरफ डालना है, तो ये मैं अंदर बाहर निकाल दूंगी इसे। ये देखिए इस तरह ये मेरे बक्कल की शेप आ गई। अब पीछे जो मैंने धागा फर्स्ट में छोड़ा था और ये, इन दोनों को मैं नॉट कर दूंगी। अभी देखिए एक तो मेरा इधर आ रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे ही आना चाहिए। अब दूसरी तरफ का मैंने आइडिया लगा लिया और वो मेरा इस तरफ आना चाहिए इधर, तो इसका भी मैं इसी तरह से यहां पे भी ऐसी एक बना लूंगी। यहां पे अंदाजे से आइडिया लगा के यहां पे बनना है मेरा, तो इसको मैंने उसी तरह से इसके अंदर डाला। इस तरह से ये मेरी बेल्ट आएगी, इस तरह से मेरा पूरा कोट फुल हो गया है, फिल हो गया है। अब ये थी मेरी 6 पीस की सेंटा क्लॉज की ड्रेस। कैप नैप, कैप है, पजामी है, कोट है, बेल्ट है, इसमें दाढ़ी मुस्तैश है और हमारा गिफ्ट बैग है। ये मेरी 6 पीस की सेंटा की ड्रेस है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। ये 5 पार्ट में वीडियोस हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे पार्ट देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।